तो कैसा था घर का एक्सपीरियंस, बिग बॉस के घर का अब तक का, क्या बताना चाहिए? अच्छा रहा, बट बहुत अच्छा नहीं रहा। पहले भी बिग बॉस के घर में रह के आई हूँ, तो वहाँ पे उस सीज़न में जो जिया था वो इस सीज़न के साथ अगर कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली इस बार बहुत मुश्किलें बढ़ी मेरी। बिकॉज जो घर के सदस्य थे पहले मराठी सीज़न में, जो सदस्य थे वो सेम इंडस्ट्री से थे, जान पहचान वाले थे, दोस्त थे, तो इस वजह से अच्छा कैमरा तो पहले जिन सदस्यों के साथ रह चुकी थी तो वो सेम इंडस्ट्री से थे और अच्छी खासी दोस्ती थी सबके साथ, तो वो जेल होने में टाइम नहीं लगा। सारे ही आर्टिस्ट थे, सब में कुछ ना कुछ हुनर था, तो बहुत मज़े किए थे उस घर में, बिग बॉस के घर में। कंपटीशन भी था लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन था। यहाँ पर इस बार ऐसा हुआ कि बहुत अलग अलग लोगों से पाला पड़ा और जो तरीका था खेलने का उनका कहीं ना कहीं बहुत खटकता था मुझे, क्योंकि इतना बिग बॉस देखा था उन्होंने, इतना ज़्यादा सोचते थे हर चीज़ के बारे में, कंटिन्यूसली 24 घंटे दिमाग में कोई ना कोई स्ट्रेटजीज चलती रहती थी और उन स्ट्रेटजीज़ को पकड़ पकड़ के अपने गेम को आगे बढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी उनका रियल पर्सनालिटी मुझे दिखती नहीं थी। मैं खुद अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कई लोगों की रियल पर्सनालिटीज़ को उस घर में, पर ये शो है कि आपके रियल दिखने का, आपके रियल लगने का। अगर आप इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव होके चलोगे, इतना हर चीज़ को सोच सोच के करोगे, तो फिर वहाँ पे आप रियल कैसे दिखोगे? तो दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग कि थोड़ी सी रियलिटी मिसिंग थी लोगों के बिहेवियर में इस बार। जिस तरीके से आप खेलती थी घर के अंदर, तो उसे देखकर ये नहीं लगता था कि आप जल्दी निकल जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? ऑफकोर्स मुझे निकलना भी नहीं चाहिए था, मैं अपने आप को फिनाले में देख रही थी और फिनाले में मुझे होना भी चाहिए था, पर ये हुआ नहीं है। ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मुझसे बहुत लोगों ने उम्मीदें लगाई थी कि वो मुझे फाइनल्स में देखेंगे, पर कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई है, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। पर हाँ, मैं अपनी जगह उस घर में बना के आई हूँ, अपनी छाप उस घर पे छोड़ के आई हूँ, मेरे लिए ये ज़्यादा मैटर करता है। जिस डिग्निटी के साथ गई हूँ उतनी ही डिग्निटी के साथ वापस आई हूँ और लोगों का प्यार कमा के बाहर निकली हूँ। भले ही प्राइज़ मनी ना कमाई हो, मैंने ट्रॉफी ना कमाई हो इस बार, पर लोगों का प्यार, उनके तरफ से वो रिस्पेक्ट मुझे जो मिला है मेरी गेम देख के, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ठीक है, ट्रॉफी ना सही, प्राइज़ मनी ना सही, लोगों के दिल जीतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, जो मैंने जीत चुकी हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। रोहित और दीपक के साथ घर में इतने अच्छे संबंध नहीं थे आपके, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो संबंध नहीं थे क्योंकि पता नहीं वो दिमाग में कौन सी चीज़ लेके चल रहे थे कि हम सारा टाइम लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे, हर वक्त बुलिंग करते रहते थे। शायद औरतों को रिस्पेक्ट करने का तरीका उन्हें पता नहीं हो कि कैसे किया जाता है, औरतों से बात कैसे करते हैं, किसी को भी किस लेवल तक जाके हम नीचे गिरा सकते हैं, ये चीज़ें उनके दिमाग में शायद बहुत ज़्यादा फिट है कि लोगों को हम गिराएंगे, बुरा करेंगे, बुरा दिखाएंगे तो हम ज़्यादा दिखेंगे, तो दिखने के लालच में कई बार उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी कि जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि दिस शो इज़ नॉट ऑल अबाउट विनिंग टास्क, दिस शो इज़ ऑल अबाउट विनिंग हार्ट्स। जिस चीज़ में वो ऑलरेडी हार चुके हैं, आज मुझे नहीं लगता कि दीपक के लिए या रोहित के लिए किसी भी औरत के मन में कुछ भी रिस्पेक्ट बचा होगा। वो उन्हें अच्छी लगी होगी वो चीज़ें जो उन्होंने उस घर में की है, किसी को नहीं अच्छी लगी होंगी डेफिनेटली। तो भले ही वो इस वक्त घर में है, लेकिन अगर वो जनता का दिल नहीं जीत पाते तो वो मेरे लिए बिल्कुल ही हारे हुए सदस्य है। आपके हिसाब से घर में डबल ढोलकी का टैग किसको मिलना चाहिए? डबल ढोलकी फॉर श्योर रोमिल को मिलना चाहिए, क्योंकि टाइम आने पर उसने हैप्पी क्लब को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, उस पर अपना हक जताया, उनके कंधों पर बंदूक रख के चलाई, लोगों को यूज़ किया, और उसके बाद अब वो सेलेब्स की तरफ आ गए हैं, श्री और दीपिका का यूज़ कर रहे हैं उस घर में,
तो मुझे वो डबल ढोलकी की तरह लग रहा है, पहले यहाँ से बजे अभी यहाँ से बज रहे हैं। तो आपके हिसाब से घर में सबसे ज़्यादा फेयर गेम कौन खेल रहा है? दीपिका शी इज़ प्लेइंग फेयर एंड शी इज़ बींग रियल। इवन श्री श्री इज़ अ वेरी रियल पर्सनैलिटी, भले ही वो टास्क नहीं करते हैं, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थिंग है कि वो टास्क करते नहीं हैं, पर ठीक है, ये उनका अपना तरीका है खेलने का। गेम में आगे बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो गेम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, और वही वही नज़र आते हैं लोगों को हर जगह। तो उनका पर्पस तो सॉर्टेड है कि बिना टास्क किए भी अच्छी तरह दिख रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं अच्छी तरह, और गेम में आगे बढ़ रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर हिम। आपके हिसाब से बिग बॉस 12 की ट्रॉफी किसको मिलनी चाहिए और क्यों? मेरे ख्याल से दीपिका या श्री छोड़ के कोई डिज़र्व नहीं करता उस ट्रॉफी को, कोई भी नहीं, और उन्हीं को वो जीतनी चाहिए, क्योंकि उस घर में रियल रहना, ट्रांसपेरेंट रहना ही इस गेम की सबसे बड़ी पॉलिसी है, जिसे दीपिका और श्री बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो दीपिका या श्री में से कोई भी जीते, आई विल बी इक्वली हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।